हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस एडिटिंग। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम लाइटरूम में ग्रीन एंड पर्पल टोन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लाइटरूम मोबाइल ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अपनी इमेज को इम्पोर्ट कर लेना है। इसके बाद क्लिक करके ओपन करनी है, लाइट्स पे जाना है, शेडोज को थोड़ा सा इंक्रीज करना है 76, ब्लैक्स को माइनस की तरफ लेके जाना है -26। इसके बाद जाना है कलर्स पे, वाइब्रेंस को इंक्रीज करना है 70, ठीक है, और सैचुरेशन को माइनस कर देंगे। -90। इसके बाद जाना है कलर मिक्स पे, रेड की सैचुरेशन को इंक्रीज करना है 36। इसके बाद जाना है ऑरेंज कलर पे, ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा इंक्रीज करना है 54, सैचुरेशन को थोड़ा सा माइनस कर लेंगे 33 है ये। इसके बाद जाएंगे येलो कलर पे, येलो कलर की सैचुरेशन को रख लेंगे 100 और ह्यू को रख लेंगे तकरीबन 31। इसके बाद जाएंगे ग्रीन कलर पे, ग्रीन कलर की सैचुरेशन को भी रख लेंगे 100 और ह्यू को रख लेंगे -10। इसके बाद जाएंगे सियान कलर पे, सियान कलर की ह्यू और सैचुरेशन को दोनों को इंक्रीज करेंगे, ह्यू को रख लेंगे 22, सैचुरेशन को रख लेंगे 28। इसके बाद जाएंगे ब्लू कलर पे, ब्लू कलर की सैचुरेशन को कर लेंगे -40 और ह्यू को रख लेंगे तकरीबन -31 और डन कर देंगे। ये थी हमारी इमेज बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। इसके बाद जाएंगे इफेक्ट्स पे, बीहेस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे 42 चाहिए, रिग्नेट को माइनस करेंगे 49। इसके बाद जाएंगे डिटेल पे, डिटेल में जाके शार्पनेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे 30, नॉइस रिडक्शन को भी इंक्रीज करेंगे 42। तो इस तरह हमारी ग्रीन एंड पर्पल टोन रेडी हो चुकी है। ये थी हमारी इमेज बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। थ्री डॉट्स पे जाते हैं, सेटिंग को कॉपी कर लेते हैं, टिक कर देते हैं, ये वाली इमेज को ओपन करते हैं, थ्री डॉट्स पे जाके पेस्ट सेटिंग। तो एक ही क्लिक में हमारी इमेज रेडी हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।